हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ बबीता विश्वकर्मा। आप लोग कैसे हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मकर संक्रांति स्पेशल फेस पैक। बहुत ही इजी एंड सिंपल है, बिना पार्लर में जाके आप फेशियल जैसा ग्लो घर पे पाएंगे। वो भी सिर्फ तीन चीज़ें मिलानी हो, चेहरे पर लगानी है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड आपको। तो आपको हफ्ते में तीन बार ट्राई करना है। आपको पहले ही पैक में आपको फर्स्ट टाइम यूज़ करने पे उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो वो कौन सा फेस पैक है तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तो आप लोगों को पता चलेगा। तो आप लोग देख सकते हो मेरी स्किन का चमकने का राज, और मैं आज आप लोगों के लिए मकर संक्रांति स्पेशल आप लोगों के लिए फेस पैक लेकर आई हूँ। बहुत ही ईजी है, तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरे जो भी नए वीडियोस आएंगे ना उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, कौन सा फेस पैक है, क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। कोरोना का माहौल चल रहा है फ्रेंड, तो आप पार्लर तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते, तो क्यों ना घर में ही कुछ चीज़ों को लेकर अपने चेहरे को ग्लो करवाए, वो भी नेचुरल तरीके से कुछ चीज़ें लेकर, तो वो बहुत ही कम चीज़ है। तो चलिए आगे जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें और उसके फ़ायदे क्या हैं। तो आप जब तक यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा फ्रेंड। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ हफ्ते में तीन बार ट्राई कीजिए, आपको 100% रिज़ल्ट आएगा। बहुत ही अच्छा, फेशियल से भी ज़्यादा अच्छा। तो ठंडी का भी समय चल रहा है, तो इससे अच्छा फेस पैक और कोई भी नहीं है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फेस पैक बनाना, और उसको कितने टाइम रखना है सारी डिटेल आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेना है बनाना। जी हाँ, बनाना अपने चेहरे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रिज़ल्ट है। अगर आपको चमकता स्किन चाहिए, एकदम ग्लोई चेहरा चाहिए, तो बनाना बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है। तो आपको क्या लेना है, बनाने को अच्छे से छील लेना है, छिलका उसको उतार देना है, फिर बनाने को अच्छे से बारीक पीस में कट कर लेना है, और चम्मच की सहायता से अच्छे से ये बनाना जो है मैश हो जाएगा। आप देख सकते हो मैं इसी तरीके से कर रही हूँ। जो भी चेहरे के दाग धब्बे रहेंगे उसको दूर करेगा, मॉइस्चराइज़र का काम करेगा, और आपके चेहरे को लंबे समय तक के लिए ग्लो करेगा, चेहरे पर बहुत अच्छी नमी लाएगा, बहुत ही मुलायम सॉफ्ट हो जाएगा। तो बनाना ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है अपनी स्किन के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। और बनाना के बहुत सारे गुण हैं जो आपके चेहरे पे निखर के आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है फेस पैक बनाने के लिए बनाना, फिर सेकंड हमें लेना है शहद। जी हाँ, शहद, हनी। हनी अपने चेहरे को बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसके गुण इतने अच्छे हैं कि आपको लंबे समय तक चेहरे को एकदम ग्लोई करेगा, स्किन को टाइट रखेगा, और जो भी दाग धब्बे कील मुहासे हैं झुर्रियाँ उसे दूर रखेगा। इसमें बहुत सारे अच्छे गुण हैं। शहद जो है अपने बालों के लिए, अपने स्किन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है फ्रेंड। तो बनाना और हनी बहुत अच्छा एक फेस पैक आपको चेहरे पे अच्छा रिजल्ट देगा फ्रेंड। घर की कुछ चीज़ों को लेना है और उसे फेस पैक बनाना है और अपने चेहरे पे लगाना है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये देखिए बनाना इस तरीके से मैश कर दिया है। सेकंड इसके अंदर हमने मिलाया है शहद, जो आसानी से आपको आपके पास के मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को इस फेस पैक में से कोई चीज़ अगर सूट ना होती हो तो प्लीज़ मत लगाइएगा। बहुत लोगों की स्किन अलग होती है जिससे बहुत सारी चीज़ सूट नहीं होती है। तो चलिए तीसरी चीज़ ऐड करते हैं यहाँ पे, नारियल तेल। जी हाँ, तो तीसरा है नारियल तेल। नारियल तेल जो है ठंडी के समय के लिए काफ़ी अच्छा है अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए, नमी के लिए काफ़ी अच्छा, आपकी स्किन को सॉफ्ट रखेगा। और ठंडी में अगर आप रोज़ नारियल तेल अपने स्किन पर लगाते हो, चेहरे पर लगाते हो, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप एकदम यंग हो जाओगे। अगर बहुत सारे एज के हो, ज़्यादा साल के हो, अगर आप इस फेस पैक के लगाते हो, आपका चेहरा एकदम काला धब्बा झुर्रियों से भरा हुआ है फ्रेंड, बिल्कुल भी चेहरे पे ग्लो नहीं है, तो बहुत अच्छा ये नारियल तेल आपके चेहरे को ग्लो करेगा। अब यहाँ पे चौथी चीज़ हम एलोवेरा। तो चौथा स्टेप है हमारा एलोवेरा जेल। अगर आपके पास प्लांट होगा तो आप इस तरीके से भी ले सकते हो जेल उसका, या तो मार्केट में जो आपको अच्छा लगे एलोवेरा जेल आप वो लीजिए। और एलोवेरा जेल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको उसके बारे में मैं क्या कहूँ। अपने बालों के लिए, अपने स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है, चेहरे को ग्लो करता है, दाग धब्बे को दूर करता है, स्किन को टाइट करता है, और एक अच्छा सा निखार लाता है, और कील मुहासे को भी दूर करता है। तो इन सारी चीज़ों को चारों को अच्छे से मिक्स करना है और एक अच्छा सा हमें एक पैक बना के रेडी करना है। तो यहाँ पे हमारा पैक बन गया है। अगर आप चारों में से अगर कोई चीज़ आपको इस पैक में जो है बनाना, हनी,
नारियल तेल और जो है एलोवेरा जेल, अगर इसमें से चारों में से अगर कोई चीज़ आपको सूट नहीं होती तो प्लीज़ बिल्कुल भी मत लगाइएगा। सबकी स्किन अलग अलग होती है, अगर जिसको सूट होती हो तो प्लीज़ इस पैक को लगाइए, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। हफ्ते में सिर्फ 3 बार लगाना है और आपको रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग देखने मिलेगा। तो ये मैं फेस पैक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, मकर संक्रांति स्पेशल फेस पैक फेस्टिवल आ रहे हैं। अगर आप अपने चेहरे को ग्लो रखना चाहते हो, अच्छा रखना चाहते हो, एकदम यंग दिखना चाहते हो और एकदम खूबसूरत दिखना चाहते हो तो इससे अच्छा फेस पैक कोई नहीं है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठंडी के समय के लिए सबसे बेस्ट फेस पैक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करते हो तो आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने मिलेगा। जब ये अच्छे से सूख जाएगा इस पैक को, आपको 15 मिनट रखना है, 15 से 20 मिनट जब ये अच्छे से सूख जाएगा, ज़्यादा नहीं सूखेगा, मीडियम अच्छे से हो जाएगा, 15 से 20 मिनट रखना है। उसके बाद आपको गुनगुने पानी से अपने चेहरे को वॉश करना है फ्रेंड। उसके बाद आपको अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगानी है, क्रीम, या तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो। तो चलिए अच्छे से पैक लगा लेते हैं और इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। 15 से 20 मिनट होने के बाद आप मेरे चेहरे पे ग्लो देख सकते हो, कितना अच्छा निखार आ गया है फ्रेंड, जैसे एकदम मेरा स्किन एकदम सॉफ्ट हो गया, एकदम ग्लो कर रहा है और आपको मैं रिज़ल्ट सामने दिखा रही हूँ, कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो अगर आपको भी इस तरह से चमकता हुआ चेहरा चाहिए, बिना दाग धब्बे वाला और एकदम खिला खिला, तो ज़रूर ये फेस पैक ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।